हे गाइस, फिर एक न्यू वीडियो और एक न्यू ट्यूटोरियल आप सभी के बीच लेके आया हूँ। इस वीडियो पे बताने वाले हैं आप सभी को कि स्नैपचैट एप्लीकेशन में आप यदि फोटो क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट गैलरी में कैसे आएगा। तो चलिए इस वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक सही समय पर पहुँच सके। स्नैपचैट एप्लीकेशन में फोटो यदि क्लिक करते हैं तो आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करने के लिए आपको एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद सिंपल सा आपको ये जो कोने पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपल सा सेटिंग्स, इस कोने में सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है तो सेटिंग्स का ऑप्शन को क्लिक करना है। सेटिंग्स का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। यहाँ जो मेमोरीज का ऑप्शन दिया हुआ है इसको टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपल सा यहाँ सेव बटन का ऑप्शन है, इस सेव बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री ऑप्शन आता है गाइस, इसमें मेमोरीज एंड कैमरा रोल का ऑप्शन है जो उसी को करना है क्लिक। चलिए क्लिक हो गया, सेव कर देते हैं पर सेव, फिर बैक आ जाते हैं। चलिए बैक आने के बाद सिंपल सा एक फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद अभी दिखाते हैं आप सभी को गैलरी में। चलिए फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, सेव का ऑप्शन है, सेव यहाँ पर कोने में देख पा रही होंगी आप, सेव का ऑप्शन है। चलिए सेव हो गया, आपको फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको गैलरी में जा करके दिखाना है। अभी आप देखेंगे गैलरी में फ़ोटो मेरा आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सही समय पे ला सकूँ। तो देखिए गाइस, ये फ़ोटो मेरा आ गया है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंदे मातरम गाइज़।